वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे कनेक्टिविटी के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये क्या है, कह रहा है कि एक सेल जो कनेक्टिविटी सेल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है। उसका जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम के इक्वल है। रेजिस्टेंस इसे इक्वल है 500 ओम के इक्वल है, यहाँ पे सॉरी 1500 ओम के। आर यू क्लियर? तो 1500 ओम इज दी रेजिस्टेंस। जो मोलैरिटी है उसकी वैल्यू दे रखी है 10^-3 मोलर। क्लियर? तो एल बाय ए आपको निकालना, दैट इज सेल कांस्टेंट। क्या निकालना है आपके पास? सेल कांस्टेंट। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, सबको मालूम है यहाँ पर कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाय ए। तो एल बाय ए की वैल्यू क्या होगी, कप्पा इंटू आर। कप्पा इंटू आर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो कप्पा की वैल्यू कितनी है, 1.46 इंटू 10^-4। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस वैल्यू है 1500 ओम इज इक्वल टू एल बाई ए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी एल बाई ए इज इक्वल टू 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। आर यू श्योर कितना है यहाँ पे, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एल बाय ए, आपको गिवन है आर, आपको गिवन है मोलैरिटी। क्लियर? और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है, तो आपको निकालना कि आपको L बाय A निकालना है। L बाय A निकालने का तरीका क्या है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू आर एबल टू गेट द आंसर। सिंपल। अब इस क्वेश्चन को अगर हम एक्सटेंड कर दें कि बताइए भाई इसकी मोलर कनेक्टिविटी क्या है और इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी क्या है, तो उसको कैसे करेंगे हम। इसी क्वेश्चन में मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी निकालने का तरीका देखिए कैसे होगा, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ गया। हमारे पास मोलर कनेक्टिविटी के लिए क्या है, मोलर कनेक्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला है वो है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। तो कप्पा की वैल्यू क्या है, कप्पा की वैल्यू है 1.46 इंटू 10^-4 इंटू 10^3, क्योंकि 1000 कितना हो जाएगा 10^3 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है, तो मोलैरिटी की वैल्यू भी है 10^ आपके पास -3। जब ऊपर जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.46 इंटू 10^-4 प्लस 6, ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 146 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आर यू श्योर अबाउट दैट, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? अब सबको मालूम है यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी है वो क्या होती है, वो होती है मोलर कनेक्टिविटी बाय जेड। तो यहाँ पर Z क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो KCL में Z की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज भी प्लस 1 है, टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस 1 है। तो ये आ जाएगा 146/1। तो आंसर क्या आ गया, 146 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस इनवर्स। आर यू श्योर अबाउट दैट, तो ये छोटे से पॉइंट को आप याद रखिए। इजी है कि नहीं, चेक कीजिए क्वेश्चन दोबारा से। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है
आर की वैल्यू आपको गिवन है, कप्पा की वैल्यू, तो आप पहले निकालेंगे सेल कांस्टेंट। निकाल लिया आपने सेल कांस्टेंट, निकालने के बाद क्या किया आपने, सेल कांस्टेंट निकालने के बाद आपने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी निकाल ली। ईजी द आंसर, इट इज टू ईजी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास कितना है, 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, और मोलरिटी रखी है 0.1 मोलर। जो डायमीटर है वो है सॉल्यूशन का कितना आपके पास, ये जो डायमीटर एक्चुअली में इलेक्ट्रोड का डायमीटर है, और जो 12 सेंटीमीटर है क्या है वो लेंथ ऑफ द करंट, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, गेव ए करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या बताना चाहिए आपको, तो आपको पता होना चाहिए क्या, L by A, और आपको पता चाहिए R। तो ना R पता है, ठीक है, और L by A हम निकालना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास जो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो कैसे आएगा, तो पहले आप निकाल लीजिए वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, I इंटू आर, ठीक है जी। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आंसर है V by I। तो V कितना दे रखा है आपको, V आपको गिवन है 20, और आई कितना गिवन है, आई आपको गिवन है यहाँ पे 0.2। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की कितनी आ गई, वो आ गई 100 ओम। तो सोल्यूशन का रेजिस्टेंस है कितना आ गया आपके पास, 100 ओम आ गया। अब आपने उसका, अब डायमीटर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर कितना है, तो आंसर है 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस से रेडियस इतना आ गया, आंसर है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर बाय 2। तो अब आपको समझ आ गई, तो पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, बेस एरिया आपके पास आ गया। तो पाई आर स्क्वायर इज बेस एरिया, पाई की जगह और आर की जगह आर के लिए पुट कीजिए, आर यू श्योर। और उसके बाद आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे आंसर इतना आ गया 4 पाई, तो आंसर आ गया 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की डिग्री होगी यहाँ पे 3.14। आफ्टर दैट आपके पास एल दे रखा है, तो एल बाय ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी एल बाय ए की वैल्यू, 12 बाय 12.57। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई और हमारे पास एल बाय ए की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, आर यू श्योर अबाउट, ठीक है। तो पहले कब निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी वैल्यू क्या है, कनेक्टिविटी वैल्यू होती है 1 बाय आर इंटू एल बाय ए, एल बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, श्योर क्लियर। तो रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आई है, 1 बाय 100, क्लियर। और एल बाय ए क्या आ गया, 12 बाय 12.57। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 9.55 इंटू 10^-3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कनेक्टिविटी वैल्यू है। तो जो मोलर कनेक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9.55 इंटू 10^-3 इंटू 10^3 डिवाइड बाई मोलरिटी इतनी है। तो आंसर क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, तो कितना आ गया 0.1। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो आंसर क्या आ गया, 95.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई मोलर कंडक्टिविटी की, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, आर यू श्योर अबाउट दैट, ओके।
क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लेते हैं हम लोग कि आपको गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स, मतलब वी गिवन है, आपको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है लेकिन करंट मालूम है, तो वी बाय आई से आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। एक बार रेजिस्टेंस आ गया आपके पास तो आपने डायमीटर से आर निकाल लिया, फिर उससे बेस एरिया निकाल लिया, और बेस एरिया मालूम के बाद क्या हो गया आपके पास, आपने एल बाय ए कर दिया। तो एल बाय क्या होता है, एल बाय ए क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू, क्या होती है, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू। तो जब सेल कॉन्स्टेंट आ गया, आर आ गया, तो कप्पा भी आ गया, कप्पा के लिए क्या होती है, वन बाय आर इंटू सेल कॉन्स्टेंट, दैट इज सेल कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू पुट कर दी, आ गया आपके पास आंसर। फिर कप्पा की वैल्यू को आपने मोलरिटी के इस पर्टिकुलर किस पर रिलेशनशिप में पुट कर दिया, तो उससे क्या हो गया, रिलेशनशिप पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक टोटल आंसर आ गया। आर यू श्योर अबाउट दैट, ईजी, दैट इज़ टू ईजी, क्या बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, टू ईजी बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप ध्यान चेक करेंगे, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है सेम टू सेम लगभग वैसे ही है जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट तो कह रहा है कि 0.05 मोलर NaOH का सोल्यूशन है और उसमें जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और उनके बीच का डिस्टेंस इतना है वो है 50 सेंटीमीटर और जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है वो है 5500 यहाँ पर इस केस में। आर यू श्योर अबाउट दैट, तो कह रहा है इसमें से रेजिस्टिविटी निकालो, कनेक्टिविटी निकालो और मोलर कनेक्टिविटी निकालो। तो पता ही आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, रो दैट इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा, तो आप कप्पा निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, कप्पा निकाल लीजिए यहाँ से। तो कप्पा निकालने पे क्या होगा, कप्पा निकालने पे उसका इन्वर्स कर दीजिए। आर यू श्योर, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है डायमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस है उससे रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 2 सेंटीमीटर, क्लियर। और लेंथ आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो पहले आप ए निकाल लीजिए, ए के लिए क्या होगी, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 22/7 इंटू 1/4, क्योंकि 1 बाय, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, तो पहले सेल काउंट निकाल लो, एल बाय ए, तो एल बाय ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, एल बाय ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है जी, तो पुट कर लीजिए एल की वैल्यू कितनी है, 50 और ए की वैल्यू है 0.785, तो ये हमारे पास एल आ गया। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो कप्पा की वैल्यू क्या होगी, कप्पा की वैल्यू होगी 1 बाय आर इंटू एल बाय ए, तो आपको पता ही आर के लिए कितनी है यहाँ पे, 5050 इंटू 50, तो हम वैल्यूज को पढ़ेंगे, तो कप्पा की जगह क्या लिखेंगे आप, जहाँ पे कप्पा है वहाँ पे आ जाएगा 1 बाय आर एल बाय ए आ गया, ठीक है, पुट कर दिया। उसके बाद जैसे ही ये वैल्यू आपको निकली, रो आपको पूछा रेजिस्टिविटी क्या है, तो 1 बाय कप्पा वैल्यू आ जाएगी 87.135। आर यू श्योर, तो ये समझ आ गई बेटा आपको। तो उसके बाद जब हम उसको आगे लेके चलेंगे तो हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए अब कंडक्टिविटी और मोलरिटी की वैल्यू, तो कंडक्टिविटी वैल्यू तो यहाँ पे आ गई है, क्लियर। तो कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.148 इंटू 10^-2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक एक पॉइंट और रह गया, वो कौन सा है, वो है मोलर कनेक्टिविटी का, वो क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, तो कप्पा के लिए कितनी यहाँ पे, 1.148 इंटू 10^-2 इंटू 10^3 डिवाइड बाय मोलरिटी ऑफ
सोल्यूशन कितनी है, तो आंसर दे रखा है क्वेश्चन में 0.05। तो कैलकुलेशन करने में क्या आंसर आ गया, 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी? आई थिंक इट इज़ टू इजी। क्लियर? तो ये जो है पर्टिकुलर चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए। आर यू श्योर? वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिल्यूशन का क्या इफेक्ट है कंडक्टिविटी के ऊपर। डिल्यूशन का क्या इफेक्ट है कंडक्टिविटी के ऊपर? तो यहाँ डिल्यूशन का क्या इफेक्ट है कंडक्टिविटी के ऊपर, ये हमें चेक करना है। तो सबको मालूम है जो कप्पा है कंडक्टिविटी है वो क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन है। मान लीजिए कि पहले सोल्यूशन में एक्स आयंस हैं, एक्स आयंस आर प्रेजेंट इन 1 ml। मान लीजिए आपने उसमें 9 ml और ऐड कर दिया वाटर, तो क्या होगा? अब सॉल्यूशन कितना हो गया, 10। अब कितने हैं, अब हैं एक्स आयंस आर प्रेजेंट इन, तो ये 1 है और ये 9, कितना हो गया 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या हो गया, नाउ इन 1 ml कितने हैं, यहाँ पे एक्स बाय 10 आयंस आर प्रेजेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए। क्या आ गए? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज आ गए। क्या आ गए? नंबर ऑफ आयंस क्या आ गए, डिक्रीज। तो डिल्यूशन करने में क्या होगा, कंडक्टेंस जो कप्पा है डिक्रीज होगा, कप्पा डिक्रीजेज ऑन डिल्यूशन। क्या होगा, कप्पा डिक्रीजेज ऑन डिल्यूशन। डिल्यूशन करने पर क्या होगा, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कप्पा की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। ऑन डिल्यूशन क्या होता है, डिल्यूशन करने में क्या होता है, डिल्यूशन करने पर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए क्या होगा, कप्पा डिक्रीज होगा ऑन डिल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए स्टूडेंट यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? तो जो मूल कनेक्टिविटी की वैल्यू है वो होती है कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो जब आप डिल्यूशन करेंगे तो डिल्यूशन करने पे क्या होगा, डिल्यूशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऑन डिल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, मूल कनेक्टिविटी है वो प्रोडक्ट है कप्पा इंटू वी का। तो क्या होता है, कप्पा डिक्रीज करता है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है ऑन डिल्यूशन। लेकिन होता क्या है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव देन द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी। याद रखिए डिल्यूशन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा और कंडक्टिविटी वैल्यू में डिक्रीज आएगा। और मोलरिटी क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम है इट इज़ एबल टू आउटवे द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो यही वजह होती है के डिल्यूशन करने पर मोलर कनेक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी क्या होता है, उसमें इंक्रीज आता है। क्योंकि वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो कनेक्टिविटी के डिक्रीज को आउटवे कर देगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन डिल्यूशन आउटवेज, इट मीन्स मच मोर देन द डिक्रीज इन कनेक्टिविटी। सो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी मोर देन द डिक्रीज इन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी डिक्रीज करती है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है ऑन डिल्यूशन। तो वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो कनेक्टिविटी के इफेक्ट को आउटवे कर देगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी गुड। यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब देखिए दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सबको मालूम है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी नियरली टू 1 होती है,
और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनमें क्या होता है डिग्री ऑफ डिशन इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे NaCl है, KCl है, HCl है, NaOH है, अमोनियम नाइट्रेट है। जनरली क्या होता है अल्कली मेटल के जो सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड है, HCN है, ZnCl2 है, AgCl है, मर्क्यूरियस क्लोराइड है, कार्बोनिक एसिड है, AgCl है, ऑल दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनमें क्या होता है डिग्री ऑफ डिशन इज नॉट कम्प्लीट, डिग्री ऑफ डिशन इज नॉट कम्प्लीट, तो उसमें क्या होता है उन केसेस में हम बोलते हैं कि दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आर यू श्योर? देखिए अगर हम यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने यहाँ पे लिया है, HCl और KCl क्या हैं, HCl और KCl यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो हमारे पास एसिटिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है क्या है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन दोनों केसेस में जो हमारे पास एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इन दो केसेस में हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, इन केसेस में हमारे पास वेरी वेरी लो N1 है, और HCl और KCl में क्या है HCl और KCl में जो अल्फा की वैल्यू है वेरी नियरली टू 1 है। तो आप चेक करेंगे ध्यान से तो ऑन डल्यूशन वैल्यू HCl में इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। सेम टू सेम KCl में क्या हो रहा है, KCl के अंदर भी क्या हो रहा है वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है डिल्यूशन करने पर। लेकिन एसिटिक एसिड में किसमें, एसिटिक एसिड में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेक कीजिए देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज, इसको बोलते हैं इनफिनिट डिल्यूशन। क्या बोलते हैं, व्हेन सी टेंड्स टू जीरो, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत ही कम है, इतनी कम है उसको बोलते हैं इनफिनिट डिल्यूटेड। तो आप चेक कर लीजिए वैल्यू को कि कितनी हाई वैल्यू आ गई उसकी 391। तो इनफिनिट इसका मतलब है जैसे जैसे आप डिल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे ही कंडक्टिविटी की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, चाहे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे क्या है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में कंडक्टिविटी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। जितनी वैल्यूज हैं सबकी सब वैल्यूज साइमन सेंटीमीटर स्केल मोर यूनिवर्स में रिपोर्ट की गई हैं। आर यू श्योर? क्लियर? तो हमारे पास एक ही लाइन यहाँ से निकल के आ रही है कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है और चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है दोनों में कनेक्टिविटीज सॉरी मोलर कनेक्टिविटीज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिल्यूशन, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज इज ट्रेमेंडस बट इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज इज ग्रेजुअली बट इज देयर। आर यू श्योर? वेरी गुड। देखिए अब जो आपने टेबल अभी भी पढ़ा है उस टेबल में आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट थे, एक थे स्ट्रॉन्ग एक थे वीक। तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है डिल्यूशन करने पर जो कनेक्टिविटी वैल्यूज है उसमें स्लाइटली इंक्रीज आता है। कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी अल्फा की वैल्यू हाई होती है, लेकिन जो सिमिलरली चार्ज आयंस हैं उनके बीच में होती है अट्रैक्शन, और जो ऑपोजिट चार्ज आयन होते हैं उनके बीच में होती है रिपल्शन। तो याद रखिए कि यहाँ पर क्या होगा एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज आयन्स में अट्रैक्शन होती है लेकिन रिपल्शन किस में होती है, सिमिलर चार्ज आयन में। तो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो दोनों से क्या होता है, दोनों ही वजह से जो आयन की कंडक्टिविटी है उसमें डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जब आप डिल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, ऑन डिल्यूशन क्या होता है, ऑन डिल्यूशन उनके बीच इंटर आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ऑन डिल्यूशन इंटर आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीज करती है, उससे क्या होता है, उससे ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, आयन थोड़ा दूर चले जाता है। डिल्यूशन करने पे क्या होगा, आयन्स पहले नज़दीक नज़दीक होते हैं, उससे क्या होता है उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों ही ज़्यादा होता है, लेकिन जब डिल्यूशन हो जाता है तो आयन्स दो आयन्स के बीच में ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा उनके बीच का जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है दोनों डिक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा ओवरऑल इक्विलेंस और मोलर कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आर यू श्योर? ओके।
तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ डिल्यूशन इंक्रीज होती है, उससे क्या होता है नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, और डिल्यूशन करने पर क्या होता है इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी डिक्रीज होती हैं, तो उससे इसमें क्या हुआ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए और इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज हो गई हैं, उससे दोनों से क्या होता है उन दोनों से ही मोलर कनेक्टिविटी और इक्वलेंस कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है, किसकी जो इक्वलेंस कनेक्टिविटी की जो वैल्यूज हैं दोनों में क्या होगी इंक्रीज करेंगी, क्या करेंगी दोनों में इंक्रीज करेंगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको समझना है, क्लियरली क्लियर श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी एबल टू, ये दोनों ये पूरे का पूरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे ये ग्राफ है, जो पहला ग्राफ है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो आप चेक कर लीजिए फॉर सेम यहाँ पर कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, क्लियर, तो यहाँ से क्या होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्लियर आपको ये बात, तो लेफ्ट टू राइट कंसंट्रेशन में इंक्रीज है और राइट टू लेफ्ट कंसंट्रेशन में डिक्रीज है, जो कंसंट्रेशन में डिक्रीज है उसी का नाम है डिल्यूशन, मैं लिख देता हूँ DIL डिल्यूशन, क्लियर आपको समझ आई मेरी बात, तो डिल्यूट करने पर क्या हो रहा है, डिल्यूट करने पर चेक कीजिए फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl और KCl दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, उन दोनों केसेस में क्या हो रहा है उन दोनों केसेस में कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं ये पॉइंट, क्लियर, और देखिए ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है एट हाई कंसंट्रेशन कनेक्टिविटी वैल्यू इज लो, देख चेक कीजिए ध्यान से, हाई कंसंट्रेशन पे कनेक्टिविटी वैल्यू बहुत लो है, बट एज कंसंट्रेशन अप्रोच इज जीरो तो चेक कीजिए उसकी वैल्यू बहुत हाई हो गई, और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को सेम ग्राफ पे लेके चलेंगे तो क्या चेक करेंगे कि जब कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन लार्ज है यहां पर, तो यहां पर क्या है कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड, लेकिन चेक कीजिए यहां पर व्हेन द कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है जीरो की तरफ जा रही है, यस और नो, तो उसमें क्या हो रहा है एसिटिक एसिड इज शोइंग मच मोर हाई वैल्यूज डिस्पाइट बीइंग ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि एसिडिक एसिड केस में अल्फा वन हो जाएगा और इस केस में क्या होगा एच प्लस आयन फॉर्म होगा, एच प्लस आयन की जो कनेक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल आयन की कनेक्टिविटी के, एच प्लस शोज द हाईएस्ट कनेक्टिविटी वैल्यूज, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है ग्रोथस रूल, क्या होता है ग्रोथस प्रिंसिपल, तो आप चेक कर लीजिए यहां पे दैट फॉर एसिडिक एसिड, अगर मान लीजिए यहां पे एसिडिक एसिड ना होता यहां पे कोई और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, जैसे मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड होता या फिर आपके पास मान लीजिए पीवी इस आपका CuCl होता, दे विल नॉट एबल टू शो दैट मच लार्ज कनेक्टिविटी वैल्यूज, ये जो लार्ज कनेक्टिविटी वैल्यू है एसिडिक एसिड की उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है कंट्रीब्यूशन बाय एच प्लस, यस और नो, क्लियरली अंडरस्टूड, तो आप चेक कर लीजिए ग्राफ ग्राफ कैसे होता है दैट इवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी लार्ज इफ यू मेक इन्फिनाइट डिल्यूशन, अगर आप धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे एसिडिक एसिड की तो उससे क्या होगा उसमें डिग्री ऑफ डिल्यूशन इंक्रीज होती जाएगी और जो आयन्स हैं दे आर मोर एबल टू मूव फ्रीली, तो आयन का आयन के साथ जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो भी क्या होगा इन्फिनेट डिल्यूशन पर एकदम से गायब हो जाता है, तो जो आयन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं होते, आर यू श्योर, तो ये ग्राफ आप अच्छी तरह से समझ आ रही हो आप लोगों को,
आर यू श्योर? वेरी गुड। देखिए, एक जो आपने ग्राफ अभी चेक किया है, उस ग्राफ को डिफाइन करने के लिए जो इक्वेशन यूज की जाती है वो होती है डेबी हक्कल इक्वेशन। ठीक है, इसका नाम तो खैर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन नाम इसका यही है इक्वेशन का, डेबी हक्कल इक्वेशन। तो वो क्या करता है, मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन माइनस कॉन्स्टेंट ए इंटू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन स्टैंड फॉर मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू होती है मोलर कनेक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन माइनस ए प्लस बी, बी मल्टीप्लाइड बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी। जहां पर ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं जो डिपेंड करती हैं सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर। आर यू श्योर? अब जो डिबे हक्कल इक्वेशन है वो है आपके पास, क्या इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन है वो ये है दैट मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन माइनस ब्रैकेट 82.4 डिवाइड बाय डीटी पावर अंडर रूट इंटू नीटा, दैट इज द कोफिशिएंट विस्कोसिटी सॉल्यूशन, प्लस 8.2 10 पावर 5 डिवाइड बाय डीटी पावर 3/2। तो ये जो येलो टिक मार्क है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट को, और जो ग्रीन वाला इफेक्ट है पूरी पूरी इक्वेशन है, टर्म है पूरी 82.4 बाय डीटी हाफ, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस को। और जो 8.2 10 पावर 5 डिवाइड बाय डीटी पावर 3/2 है, ये इफेक्ट करता है एसिमेट्रिक इफेक्ट को। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम बाद में इसको एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो जो एसिमेट्रिक इफेक्ट है जिसको हमने टिक किया है, किसके साथ है? जिसको हमने टिक किया है येलो, सॉरी ग्रीन के साथ, वो क्या है, वो है हमारा इंटरआयनिक फोर्सेस पर। और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसको हमने येलो से रिप्रेजेंट किया है वो है ड्यू टू सॉल्वेंट। ये दो इफेक्ट होंगे जो हम बाद में जाकर आपको दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे, अभी आप फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस को नोट कर लीजिए बस। अब एक पॉइंट जो आपको और समझना है वो है कि इन्फिनिट डिल्यूशन पे क्या है, इन्फिनिट डिल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसीजन वन है और इन्फिनिट डिल्यूशन पर इंटर आयनिक इंट्रेक्शन एब्सेंट हो जाती हैं, ना कोई अट्रैक्शन होती है ना कोई रिपल्शन होती है आयन्स के बीच में आपस में। आर यू श्योर? ये पॉइंट आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। क्लियर अंडरस्टूड नाउ? वेरी गुड। कोहर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपको नेक्स्ट समझना है, और इसके जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंडक्टिविटी से जो क्वेश्चन आते हैं कोहर्स लॉ पे ही आते हैं। तो कोहर्स लॉ क्या बोलता है कि एट इंफिनिट डिल्यूशन व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंप्लीट एंड नो इंटर आयनिक इंटरेक्शन एग्जिस्ट, ईच आयन कंट्रीब्यूट्स ए डिफाइनाइट मींस फिक्स्ड, डिफरेंट फिक्स्ड होता है अमाउंट टू द टोटल मोलर कनेक्टिविटी, के हर एक आयन एक फिक्स्ड अमाउंट देता है किसको, टोटल मोलर कनेक्टिविटी को, इरिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ द अदर आयन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड है और पोटेशियम नाइट्रेट है, दोनों इन्फिनिट डिल्यूशन पर है, तो पोटेशियम चाहे पोटेशियम क्लोराइड से बाहर आए चाहे पोटेशियम नाइट्रेट से बाहर आए, दोनों केसेस में एट इन्फिनिट डिल्यूशन उसका कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? श्योर? एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास KCl है और पोटेशियम नाइट्रेट है, दोनों क्या है, दोनों बोथ आर एट इन्फिनिट डिल्यूशन, बोथ आर एट इन्फिनिट डिल्यूशन, तो दोनों के इसमें क्या दिखाया गया है, जो मोलर कनेक्टिविटी है
पोटाशियम आयन की, वो दोनों केसेस में क्या होगी? सेम होगी। तो चाहे पोटाशियम कहां से आए, चाहे पोटाशियम केसीएल से आए, चाहे पोटाशियम पोटाशियम नाइट्रेट से आए, कहां से आए? पोटाशियम नाइट्रेट से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कनेक्टिविटी वैल्यू को। ऐसे क्या होगा? HCl, अब जो HCl है और एसिटिक एसिड है, दोनों में जो कंसेंट्रेशन है टेंड्स टू जीरो, मतलब इन्फिनिट डिलीशन है, तो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। दोनों की जो कनेक्टिविटी वैल्यू है क्या होगी? सेम होगी। तो K प्लस कहां से आ रहा है, H प्लस कहां से आ रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर इन्फिनिट डिल्यूशन है, जो कंसेंट्रेशन है वो टेंड्स टू जीरो है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो आयन कहां से आ रहा है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी उसका होगा वो क्या करेगा? सॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूशन करेगा। मतलब क्या हुआ? जिसे मान लीजिए लैम्डा ऑफ एच प्लस है, तो उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट निकाली गई है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है? ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है H प्लस आयन की एट इंफिनिट डिल्यूशन, मोलर कनेक्टिव, इसको बोलते हैं मोलर आयनिक कनेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। कि एक आयन की कंडक्टिविटी जब सॉल्यूशन इंफिनिट डिल्यूटेड है, तो ये वैल्यू फिक्स्ड है। अब H जो H प्लस है, HCl से आ रहा है या HBr से आ रहा है या HNO3 से आ रहा है या HCN से आ रहा है, कुछ लेना नहीं है। अगर इन सब के अंदर कंसेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है, मतलब इनफिनाइट डिल्यूशन है। क्या है? इनफिनाइट डिल्यूशन है। अगर तो ये H प्लस कहां से आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सबकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। सबकी वैल्यू क्या है वहां पे? फिक्स है। यहां पे कितनी आंसर है? 349.6। आर यू श्योर? ऐसी क्या है? मान लीजिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन है, वो फिक्स है। कितनी वैल्यू है उसकी? उसकी वैल्यू है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आर यू श्योर? अब ये जो क्लोराइड आयन है, जहां से मर्जी आए, ये क्लोराइड आयन AgCl से आए, NaCl से आए, KCl से आए, जहां से मर्जी आए, अगर C टेंड्स टू जीरो है, इन्फिनिट डिल्यूशन है, तो हर एक केस में वैल्यू सेम होगी। हर एक केस में क्या होगी? वैल्यू क्या होगी इसकी? सेम होगी। आर यू श्योर? तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, दैट एवरी आयन कंट्रीब्यूट्स ए डिफिनाइट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन ओनली। क्योंकि इन्फिनिट डिल्यूशन पे क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वन हो जाती है और कोई भी इंटरआयनिक इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती, तो हर एक आयन इंडिपेंडेंट बिहेव करता है। क्या करता है? इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन क्या हुई? उस कंपाउंड के इंडिविजुअल आयन का जितना भी कनेक्टिविटी है उनका सम कर दो आप, तो आप बोल सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन इज सम ऑफ द मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन्स ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी है कि नहीं? बहुत इजी है ये। ठीक है, क्लियर अंडरस्टूड नाउ? अब इसको आगे चेक करते हैं हम। अब हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ कोहर्स लॉ के। तो पहली एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइंड द मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन। तो मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन क्या होगी? नंबर ऑफ कैटायन इनटू मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ दैट कैटायन प्लस नंबर ऑफ अनायंस इनटू मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ द अनायन। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कोई आपसे बोले मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ NaCl निकालनी है आपको,
तो क्या होगा, वन इंटू लैम्डा ऑफ क्लोराइड सोडियम के टैन, क्योंकि एक बार सोडियम है, प्लस वन इंटू लैम्डा एट इन्फिनिट डिल्यूशन फॉर क्लोराइड आयन। तो इन्फिनिट डिल्यूशन फॉर क्लोराइड आयन एंड इन्फिनिट डिल्यूशन ऑफ सोडियम के टैन, क्या है यहाँ पे इनकी मोलर आयनिक कनेक्टिविटी वैल्यूज है, उन दोनों को प्लस कर दीजिए। आर यू श्योर? देखिए ध्यान चेक कीजिए, नेक्स्ट क्या है कि आपको पूछा गया एम जी सी एल टू की मोलर आयनिक कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन निकालिए। तो ये सिंबल क्या है इन्फिनिट डिल्यूशन का, या फिर सी टेंड्स टू जीरो का, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है। आर यू श्योर? तो कितने कैटायन है मैग्नीशियम के, तो आंसर है वन। कितने एनायन है क्लोरीन के, तो आंसर है टू। आर यू श्योर? कितने कैटायन है एल्यूमिनियम के, दो। कितने एनायन है सल्फेट के, तीन। इन सबकी जो मोलर आयनिक कनेक्टिविटी वैल्यू है ये बुक्स में दे रखी होती है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आर यू क्लियर अबाउट दैट? ठीक है बेटे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज है कोहर्स लॉ का, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालना। व्हाट इज दैट? टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे आप? तो ये होगा मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनेट डिल्यूशन इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। ये याद रखिए, ये जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर है, स्ट्रांग पे नहीं है। ऐसे ही जो डिबाय-हकल इक्वेशन है वो स्ट्रांग पर एप्लीकेबल है, वीक पे नहीं है। वीक के केस में तो लूप देखा है आपने, यस और नो? तो हमने देखना कि कौन कौन सी चीज कहां कहां एप्लीकेबल है। श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ये छोटी बातें हैं जो आपने समझनी है यहां पे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहां पे? अल्फा की वैल्यू है मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफिनिट डिल्यूशन। क्लियर? तो उससे क्या होगा, उससे आप निकाल पाएंगे क्या? उससे आप निकाल पाएंगे, आप निकाल लेंगे के ए की वैल्यू। के ए की वैल्यू क्या होती है? सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ? अब अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू है मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, के ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? The value of Ka will be 1/4 C into molar connectivity at given concentration by molar connectivity at infinite dilution का whole square divided by 1 minus molar connectivity at given concentration by molar connectivity at infinite dilution। तो ये जो वैल्यू है आपके सामने, क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? तो आप निकाल लेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। क्या निकाल लेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। आर यू श्योर अबाउट दैट? टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो ऑलरेडी इन्फिनिट डिल्यूटेड होते हैं। रीजन क्या होता है? स्प्रिंगली सॉल्युबल क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो बहुत ही कम अमाउंट में डिजॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो ऑलरेडी इन्फिनिट डिल्यूटेड है, करने की जरूरत नहीं है। स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर ऑलरेडी व्हाट? इन्फिनिट डिल्यूटेड। तो उस केस में क्या करेंगे आप? मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन की जो वैल्यू है वो आप जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है बता दूं आपको, ये आपने पढ़ी हुई है, ये किसी भी नॉर्मल सॉल्ट के लिए। लेकिन स्प्रेंगली सॉल्युबल में क्या होगा? वो ऑलरेडी ही इन्फिनिट डिल्यूटेड होगा। क्यों? स्प्रिंगली सॉल्युबल क्या होता है? उसमें होता है 10^-5 मोल्स, 10^-4 मोल्स, इतने मोल्स ही एक लीटर में डिजॉल्व होते हैं। तो वो ऑलरेडी इन्फिनिट डिल्यूटेड होता है। क्लियर अंडरस्टूड ना?
तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस हो जाती है सेल की, तो मोलरिटी वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन। तो ये हमारे चार एप्लीकेशन पार्ट है किसके, दीज आर द फोर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कोहर्च लॉ। क्या है ये, फोर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कोहर्च लॉ है। उसमें से हम एक छोटा सा जो क्वेश्चन है आज करेंगे हम, क्लियरली अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है, तो मान लीजिए आपको वो यहाँ पर तीन इक्वेशन दे रहा है कि ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं आपको, तो बोलता है हाँ जी आप निकाल के बताइए मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, मान लीजिए। तो क्या बोलेंगे, इसमें एक प्रोटॉन है और एक एसिटेट आयन है, तो क्या बोलेंगे, वन इंटू लैम्डा ऑफ एच प्लस इंटू लैम्डा ऑफ एसिटेट आयन। तो वैल्यू क्या आएगी, वन इंटू 349.6 प्लस 40.9। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया हमारे पास 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या है ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इनफिनिट डिल्यूशन। क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। अब मान लीजिए यही पूछते हैं आपको H2SO4 में, तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो H2SO4 में क्या होगा, H2SO4 में आपको मालूम पड़ गया कि इसके पास क्या है, इसके पास हमारे पास दो जो आयन्स हैं वो हैं H प्लस के, और एक अनायन है किसका, तो आंसर है सल्फेट का। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 349.6 इंटू 160। तो ये हमारे पास इतना आ गया, 399.2 प्लस 160। That's how you are able to find out the answers. So, किसी भी तरह से आप आंसर यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं, too easy to calculate. Are you sure about that? Easy है कि नहीं, तो आंसर है बहुत easy है। तो आप इन सब पॉइंट्स को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे आज। मैं रिपीट करूंगा, Debye-Huckel जो इक्वेशन आपने पढ़ी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर एप्लीकेबल है और अप टू ओनली 0.01 मोलर सॉल्यूशन के डिल्यूशन पर। क्लियरिंग क्लियर, ये पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं पॉइंट को आप लोगों को, ताकि आपको आसानी से ये पॉइंट पता लग जाए कि जो Debye-Huckel इक्वेशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर एप्लीकेबल है और कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन दैट ऑफ 0.01 मोलर, ठीक है बेटे। और सेकंड, जो कोहर्च लॉ है एप्लीकेबल है किस पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पर, बट जो वैल्यू है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप सो आपने अच्छे ढंग से इसको ध्यान से पढ़ना है और हर पॉइंट को नोट डाउन करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।